आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, 69,000 रिक्त पदों की भर्ती और आरक्षण घोटाले का मामला। मुख्यमंत्री आवास के बाहर अभ्यर्थियों का घेराव देखने को मिला है। सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी सीएम आवास के बाहर पहुंचे हुए हैं। अभ्यर्थियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर फिलहाल इको गार्डन भेज दिया है। तो लखनऊ से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में अब मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि लखनऊ में इस वक्त अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जो मुख्यमंत्री आवास के बाहर अभ्यर्थियों ने घेराव कर दिया। आपको बता दें कि मौके पर पुलिस बल मौजूद रहा, जिसके बाद सभी छात्रों को इको गार्डन भेज दिया गया है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे लखनऊ संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो विभांशु, लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखने को मिला, क्या कुछ जानकारी है? जी, आपको 69,000 शिक्षक भर्ती जो विगत 6 महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, वो आज मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किए हैं। और अभ्यर्थियों को आपको बता दें कि अच्छा खासा जमावड़ा, अच्छे खासी संख्या में अभ्यर्थी, इसमें खास करके जो महिलाएं अभ्यर्थी हैं वो बैठी थी इस बार, और बैनर पोस्टर लेकर अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन कर रही थी। और मुख्यमंत्री आवास के पास इलाकों में जो सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो काफी संवेदनशील जगह है, और जब ये प्रदर्शन चला तो वहां पे भारी फोर्स को भी डिप्लॉय किया गया। अब आपको बता दें कि पुलिस को इन अभ्यर्थियों को हटाने में 30 से 35 मिनट लग गए, मगर वो अभ्यर्थी वहां से उठ नहीं रहे थे, लेकिन पुलिस ने बड़े ही अच्छे तरीके से उनको उठाया और पुलिस की गाड़ी में बैठाकर और सभी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर और इको गार्डन भेज दिया। विभांशु, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, अभी आपने बताया कि सैकड़ों की संख्या में वहां पर महिलाएं मौजूद थी, धारा 144 लखनऊ में लागू की गई है, जिसके तहत प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई है। वहीं सीएम आवास के बाहर इस तरह से अभ्यर्थियों का इतनी बड़ी संख्या में पहुंच जाना, सुरक्षा की दृष्टि से कैसे देखते हैं आप? जी, सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश चुनाव भी कुछ समय बाकी है, और ये प्रदर्शनकारी जो अभ्यर्थी आज विगत 6 महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके इस मांग को कोई भी अधिकारी या कोई भी मंत्री, जो शिक्षा मंत्री है, उनसे भी वो मिलकर अपनी बातों को कह चुके हैं। उनके जन्मदिन को भी उन लोगों ने मनाया था, मगर उनकी मांगों को सरकार सुन नहीं रही है। तो इसको देखते हुए अगर सुरक्षा की बात की जाए तो ये बहुत बड़ी चूक होगी कि धारा 144 लागू है, मगर ये अभ्यर्थी हर दिन कुछ न कुछ नया करते हैं। अभी विगत कुछ दिन पहले 10/90 पे पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया था। जी विभांशु, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, अभी कुछ दिनों पहले ही वह शिक्षा मंत्री के आवास के पास भी पहुंच गए थे, वहीं अब सीएम आवास के पास एक बार फिर से प्रदर्शन किया जाना, अभ्यर्थियों की क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ उनका अभी आगे की रणनीति है? अभी तो फिलहाल इको गार्डन भेज दिए गए हैं, लेकिन क्या कुछ आगे का उनका रणनीति रहने वाली है? जी, आपको बता दें कि जो प्रदर्शनकारी 6 महीनों से अपनी मांगों को लेकर हर एक तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो इस बार बिपिन रावत के जब उनकी फ्लाइट का दुर्घटना हुआ, उस समय भी वो बिपिन रावत के पोस्टर को लेकर प्रदर्शन किए। अपने प्रदर्शन को अलग अलग तरह से वो प्रदर्शनकारी हर दिन सड़क पे उतरते हैं, और अगर बात की जाए तो 1,23,000 22,000 तूती संशोधन में, 69,000 ये आपके जो है ये आरक्षण घोटाले में है, ये सभी लोग हर दिन कुछ नए तरीके से प्रदर्शन करते हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इनको कहां तक रोकने में कारगर साबित हो रहा है, और मंत्री, जो शिक्षा मंत्री है, वो इनकी बातों को कहां तक सुन रहे हैं और समझ रहे हैं और उसका उचित निष्कर्ष निकाल रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विभांशु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर अब अभ्यर्थियों का प्रदर्शन उग्र होता दिखाई दे रहा है। आज अभ्यर्थियों ने सीएम आवास के बाहर घेराव कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने मुश्तैदी दिखाते हुए सभी अभ्यर्थियों को इको गार्डन भेज दिया है। और इसी बीच अलीगढ़ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर शिक्षक की कोरोना रिपोर्ट आई है पॉजिटिव।
एएमयू में हिंदी विभाग की शिक्षक की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। हिंदी विभाग को 3 दिनों के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। संपर्क में आने वाले सभी कर्मचारियों की भी फिलहाल जांच की जा रही है। वहीं एएमयू के प्रॉक्टर ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है। अलीगढ़ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच ये बड़ी खबर एएमयू से सामने आई, जहां पर एएमयू के एक शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हमीरपुर से इस वक्त आपको बड़ी खबर हम बताने जा रहे हैं, जहां जिले में बेधड़क निकल रहे हैं ओवरलोड बालू से लदे ट्रक। अधिकारियों की नाक के नीचे से निकल रहे हैं ये ओवरलोड ट्रक। खनिज विभाग और आरटीओ विभाग पर अब गंभीर आरोप लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। विभाग सहित खाकी के संरक्षण में ये खेल अवैध रूप से जारी है। मौरंग खदानों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे भी इस वक्त शोपीस बने दिखाई दे रहे हैं। ओवरलोड बालू लदे ट्रकों से सड़कों का इस वक्त बुरा हाल भी देखने को मिल रहा है। तो हमीरपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर इस वक्त खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं, जहां पर सड़कों पर अवैध तरीके से ओवरलोड बालू लदे ट्रक जो है वो निकलते दिखाई दे रहे हैं। अधिकारियों की नाक के नीचे ही अवैध खनन जारी है। खनिज विभाग आरटीओ विभाग पर भी अब गंभीर आरोप लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे हमीरपुर संवाददाता ब्रजेश हमारे साथ जुड़ गए। तो ब्रजेश, हमीरपुर से तस्वीरें अवैध खनन की दिखाई दे रही है, जहां पर बेधड़क ओवरलोड ट्रक सड़कों से गुजर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है आपको बताना? समय जो है जिले में अवैध खनन का खेल इस समय 7वें आसमान पर है। यहाँ हमीरपुर और हमीरपुर से सटे बांदा जनपद में तकरीबन आधा सैकड़ा बालू खदानें संचालित हैं। इन खदानों से जो है ओवरलोड ट्रकों की निकासी होती है, जो जिले में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों की नाक के तले से होकर सीना तान कर आगे गुजर जाती है, और जिम्मेदार अधिकारी इनकी ओर आंख उठाकर देखना मुनासिब नहीं समझते। ये जिले में बड़े पैमाने पर ये कारोबार चल रहा है, और जिम्मेदार अधिकारी कोई भी कार्रवाई किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। जी ब्रजेश, जिस तरह से तस्वीरें सामने आई है, इससे सड़कों का भी बुरा हाल होते हुए दिखाई दे रहा है, क्या कुछ जानकारी है? इन ओवरलोड ट्रकों ने जिले की सड़कों का बुरा हाल कर दिया है। इन्हें आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि कितनी ओवरलोड ट्रक जो है बड़े पैमाने में यहाँ से जिले से निकलते हैं। इन ट्रकों ने जिले की सड़कों का इतना बुरा हाल कर दिया है कि यहाँ की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। जी ब्रजेश, इस पूरे मामले को लेकर क्या आपने पुलिस प्रशासन से बात की है? पुलिस का क्या कुछ बयान इस मामले में सामने आया है? जी, इस पूरे मामले को लेकर हमने यहाँ के आरटीओ और खनिज अधिकारी से बात करी, तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब देना उचित नहीं समझा। हालांकि कार्रवाई करने के आश्वासन दिया है। आपको बता दूं कि बांदा जनपद में संचालित मरौली खदानों में तकरीबन मरौली में आधा दर्जन बालू खदानें संचालित हैं। यहाँ की खदानों से ओवरलोड ट्रकों की जमकर निकासी होती है, और बांदा से गाड़ियां निकलकर हमीरपुर जिले की सीमा से होते हुए आगे की ओर रवाना होती हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमीरपुर से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर इस वक्त अवैध खनन का खेल जो है वो धड़ल्ले से जारी है, जहां पर प्रशासन की मिलीभगत के कारण इस वक्त ओवरलोड ट्रक सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। और इसी बीच लखनऊ से हम आपको बड़ी खबर बताने जा रहे हैं, जहां पर बीएसपी पार्टी मुख्यालय पर मायावती की बैठक। बैठक से पहले पार्टी प्रमुख मायावती रखेंगी अपनी बात। कल 11:30 बजे पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर बैठक आयोजित हो रही है। कल बीएसपी की बड़ी बैठक आयोजित होने वाली है। बैठक में पार्टी के सभी पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी भी शामिल होने वाले हैं। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चुनाव नजदीक आते ही अब बीएसपी पार्टी मुख्यालय पर भी हलचल तेज हो गई है। मायावती बैठक आयोजित करने वाली है। बैठक से पहले पार्टी प्रमुख मायावती अपनी बात रखेंगी। कल 11:30 बजे पार्टी मुख्यालय में मीडिया से वो रूबरू भी होने वाली है। बीएसपी की तरफ से कल एक बड़ी बैठक है, जहां पर पार्टी के सभी पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी भी शामिल होने वाले हैं। तो जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव 2022 नजदीक आ रहे हैं, उसी कड़ी में अब बीएसपी पार्टी मुख्यालय में भी मायावती की बैठक अब आयोजित होने वाली है। और इसी बीच फिरोजाबाद से बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर मुख्य विकास अधिकारी परिसर के बाहर प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि सामूहिक विवाह सम्मेलन मामले में सचिवों ने जमकर हंगामा किया है। सचिवों को निलंबित करने पर यह प्रदर्शन देखने को मिला है। निलंबित सचिवों को जल्द बहाल करने की भी मांग की गई है। मांग पूरी ना होने पर कार्य बहिष्कार करने की भी चेतावनी जारी कर दी गई है।
फिरोजाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्य विकास अधिकारी परिसर के बाहर प्रदर्शन देखने को मिला है। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां किसान सम्मान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। कल सुबह 9:30 बजे लोक भवन सभागार में पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर किसान सम्मान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन होना है। आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शिरकत करने वाले हैं। कल सुबह 9:30 बजे लोक भवन सभागार में पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।